ललिता सखी कहती है राधे गुरु पर वस्ता तुम्हारे सारे दोष को दूर कर दे। प्रिया जी कहते ना ना सखी, अब इस रास्ता से हम चल नहीं पाएंगे, हमारा देखो पैर कांप रहा है, हम कंकड़ पत्थर लग रहा है, चलो दूसरे रास्ता से चले। तो ललिता सखी कहती है नहीं नहीं, देखो यशोदा मैया का आदेश है, उधर जटिला का भी आदेश है, तो हम लोगों को डरने की क्या बात है, गुरु पर वस्ता ही तुम्हारे सारे दोष को दूर कर देगी, क्योंकि गुरुजनों का आदेश मिला है, इसमें तुम्हारा कोई निंदा नहीं करेगा, चलो चलते हैं। तो देखिए प्रिया जी चल रहे, जाते जाते रास्ते में पूर्व में प्रवेश करते हैं। ललिता की चतुराई से प्रसन्न होकर के श्रीमती जी उसी रास्ता से धीरे गति से चलने लग जाते, धीरे धीरे चलने चलते। जुगल माधुरी के रस सिंधु में सखी मंजरियों का जो मन है, मन मीन है, जैसे मीन जल के बिना नहीं रह पाता, ठीक उसी तरह ये सखी मंजरियां भी प्रिया जी की सेवा के बिना नहीं रह सकती, और सुख पूर्वक उनके पीछे पीछे विचार करने लगते हैं। गिरी शोभा देखते देवी सभी लोग अग्रसर होती जाते हैं, ये गिरी शोभा को देख रही हैं, नंदगांव की शोभा देखते देखते चलती जा रही। ब्रजेर पंडित जी गिरी गोवर्धन, हम लोग देखे हैं वृंदा गिरिराज जी की अद्भुत महिमा है, गर्भ संहिता इत्यादि में कितना गिरिराज जी की महिमा है। गर्भ संहिता में लिखा गया आज तक भूमंडल में ऐसा कभी तीर्थ हुआ है न होगा गिरिराज जी से, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि ब्रजेर वंदित जी गिरि गोवर्धन तहा है ते नंदीश्वर अति सुशोभित। उस गिरिराज जी के भी महिमा को हतप्रभ करने वाला नंदगांव, कपिलार हम्बारवे सदा मुखरी, ये नंदगांव क्या है तो हमेशा कपिला गांव से हम्बारों से सुशोभित है, और गोपीगढ़ कोलाहर करे चारी भी, चारों तरफ गीत गाती रहती है कौन ब्रज की नागरी, और उस गीत को सुनाती रहती है। ब्रजेंद्र नंदन अति प्रिय स्थान, नंद नंदन श्री कृष्ण का भी प्रिय स्थान क्या है, यही वृंदावन नंदगांव जिसमें रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब राय रवानंद से मिले हैं तो सबसे पहले यही प्रश्न पूछे हैं, पूछते हुए बताए हैं कि वास्तव में जीवों को रहना कहाँ चाहिए, सब छोड़ करके जन मनुष्यों को कहाँ रहना चाहिए, रहने का स्थान कहाँ, तो महाराज यही बताया कि सबसे श्रेष्ठ स्थान ब्रजभूमि, वृंदावन को छोड़कर के अन्यत्र कहीं वास करना ही नहीं, यही सर्वोपरि तीर्थ ये नंदगांव बसाना वृंदावन, 20 करोड़ कोस विस्तृत वृंदावन। वृंदावन केवल यही नहीं, वृंदावन है वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानी च, श्री गौरांग महाप्रभु बता रहे कि सर्व तजी जीविर कर्तव्य कहाँ वास, सब छोड़ करके सारा दुनिया छोड़ करके कहाँ रहना चाहिए, ये श्री गौरांग महाप्रभु पूछ रहे राय रामानंद जी से। तो राय रामानंद जी कहे कि ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ लीला रस, यदि रहने की कहीं इच्छा है, सेवा कहीं भी करे, वास करने की यदि इच्छा है तो वृंदावन पास। महापुरुष लोग बातचीत करते नहीं है, सिद्धांत स्थापित करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु और राय रामानंद जब बात कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, देखिए ये प्रेम भूमि ऐसा भूमि है जहाँ गुरु ही चेला बन जाता है, श्री गौरांग महाप्रभु चेला बन गए किसका, राय रामानंद, और राय रामानंद जी से एक एक प्रश्न पूछ करके जगत में सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं क्या करना है। श्री गौरांग महाप्रभु जब राय रामानंद जी से मिले तो राय रामानंद मिलने के बाद इतना आनंद आया, राय रामानंद जी को इतना आनंद आया कि राय रामानंद जी कहे कि हमारा इच्छा है कि 10 दिन तक रह करके आपसे साथ हम संग यहाँ पर आपके साथ रहें और कुछ कथा कीर्तन होता रहे। कि गौरांग के जीव में और भगवान में कितना अंतर, भक्त में और भगवान में,
महाप्रभु कहते हैं कि आप 10 दिन रहने के लिए हमको कह रहे हैं, 10 दिन का कथा जावत आमी जी। हम लोग कहते चलो 10 दिन वृंदावन, 1 महीना वृंदावन में रह जाएंगे, थोड़ा भजन कर लेंगे। अब वृंदावन कहता है कि अरे जब तक तुम जीवित हो तब तक मेरे पास रहो, उसको छोड़कर कहाँ जाते। कहते 10 दिन क्या कथा जावत आमी जीव तावत तुम्हार संग छाड़ते नहीं। ये देखिए वृंदावन कह रहा है हम लोगों से, तुम 10 दिन के लिए ब्रजवास क्यों कर रहा है, जब तक जीवित रहो तब तक मैं तुम्हारा संग नहीं छोड़ूंगा। ये भगवान का प्यार। श्री गौरांग महाप्रभु कहे कि ऐसा करो, हम नीलाचल जा रहे हैं, तुम भी काम धंधा छोड़ कर के आ। अरे मानव शरीर कुछ दिन के लिए मिला है, क्या इधर उधर का झंझट करना है, 2-4 रुपया के लिए वृंदावन छोड़ना, अपने विषय छोड़ यही रहो। देखिए साधारण व्यक्ति नहीं है, कितने महान है राजमान, राजा का नौकर छोड़ दिए। फिर दोनों मिल गए तो देखिए महाप्रभु भक्तों के साथ इष्ट गोष्ठी करते हैं। प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर कौन दे रहे हैं राजमान, और उत्तर नहीं दे रहे, पूरा जगत में सिद्धांत स्थापित कर कहां ले जा रहे हैं। इस वजह से महाप्रभु सबसे पहले पूछे कि लोग पढ़ते हैं, विद्या पढ़ते हैं, विद्या किसको कहते हैं, आप कृपा करके बताएं कि विद्या क्या है। आजकल विद्या की पढ़ाई नहीं हो रही, आजकल जितना स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जा रही है इसको कहते हैं अर्थकारी विद्या, हाउ टू मेक मनी, बस पैसा कैसे कमा, इसको विद्या नहीं कहते। विद्या कहता है साथ वो विद्या वो है जो मृत्यु के पार, वही तो विद्या। तो श्री गौरांग महाप्रभु पूछे कि प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मधेशा, विद्या तो बहुत प्रकार का है, कौ से लेकर चारों वेद की पढ़ाई है सब, ये विद्या रूपी वधु का जीवन क्या है। विद्या स्त्रीलिंग है, स्त्री बिना पति के नहीं रह सकती, लता बिना पेड़ के नहीं रह सकता, तो विद्या का आश्रय क्या है। तो राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं है, विद्या उसी को कहते हैं जिसे भक्ति प्राप्त। यही पहले ऐसा पढ़ाई होता था, पहले उपनिषद की, वेद की, गीता की, भागवत की पढ़ाई होता था, कैसे हम भवसागर से पार था, यही पढ़ाई, असली पढ़ाई यही पहला ही प्रश्न है बस, यथातो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन इस जिज्ञासा से बहुत श्रेष्ठ उत्तर दिए हैं राय रामानंद जी। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं है, बस विद्या विद्या है ही नहीं, जो विद्या नरक में ले जाती है, जो विद्या धन दौलत में डाल करके मार डालती है वो विद्या। आजकल की पढ़ाई है कि पैसा कमाओ, यह भी नहीं पढ़ाते पैसा कैसे खर्च करो, ये भी नहीं पढ़ाते, केवल पैसा कमाओ और अधिक होगा तो सरकार इनकम टैक्स लेकर ले लेगी, यही पढ़ाई। शास्त्र में लिखा गया कैसे पढ़ो, कैसे धन अर्जय करो, उसको 5 भाग में बांटो, जैसे सुखी रहना चाहता है। पहला है विद्या, दूसरा है महाप्रभु स्थापित किए हैं कीर्ति किसको कहते हैं। देखिए महाप्रभु को निकुंज में ले जाना है राय रामानंद जी, और प्रश्न पूछते हैं कीर्ति क्या है। हमारा लड़का डॉक्टर बन गया, किसी ये बन गया, ये कीर्ति नहीं। कीर्ति गण मध्य जीवन कौन बड़ कीर्ति, ये महाप्रभु पूछे सबसे बड़ा कीर्ति कौन। तो कहे कि जगत के लोग जान जाए कृष्ण प्रेम भक्ति बनी जा रहा है क्या। कृष्ण का प्रेम यदि किसी के हृदय में प्रकट हो गया है उसके समान इस संसार में महाराज कोई कीर्ति वाला नहीं। सबसे बड़ा कीर्ति जगत में यही है कि हम प्रभु को पार गए, बस एक कृति है। ऐसा कृति जब तक नहीं होगा तब तक जीव कुछ भी करते रहे कभी उसको सुख नहीं होगा। कृति है कृष्ण प्रेम। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि भीख मांगो, अरे वेतन करो, प्रेम धनु बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास परि वेतन मोहे देह प्रेम धन रस, प्रेम प्राप्त होने चाहिए। जिस रस की चर्चा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ करते हैं, जिस निकुंज रस की चर्चा, बस ऐसा भक्त यदि हो जाए तो इससे बढ़कर कीर्ति है ही नहीं।
यदि कोई जीव वृंदावन में आता है और उसके पूर्वज देखते हैं कि हमारा संतान वृंदावन में है तो वहीं से नाचने लगते हैं, हमारा संतान वही वृंदावन में, इतनी भारी। और यदि किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया तो कहना नहीं क्या, श्री कृष्ण के चरण में प्यार हो गया। और ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ की कमाना है, ख्याति हो गया, ख्याति हो जाए, सूर हो गया, तुलसी हो गया, मीरा हो गए, आचार्यगण हो गए, ये जैसे जिसकी ख्याति हो गया सबसे बड़ा कीर्तिमान। और पैसा पैसा लोग चिल्लाते हैं हमें धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? श्री गौरांग महाप्रभु पूछे, सबसे वाला पैसा वाला कौन है जगत में, धनी कौन व्यक्ति है, संपत्ति मध्य जीवे कौन संपत्ति गण, कौन संपत्ति सबसे अधिक है? तो कहते बस सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम हो, सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त करना है। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? प्रेम, प्रेम रूपी संपत्ति प्राप्त। आंख, एक बार कृष्ण नाम लेते ही आंख से आंसू गिरने लगे, शरीर रोमांच हो जाए, शरीर पुरकावली युक्त हो जाए, हा प्राणनाथ, हा जीवन धन कह करके जो तड़पता है उसके समान संसार में धनी कोई नहीं। वृंदावन में जा रहा है, कहीं गिर करके बेहोश होकर ब्रजराज में लौट रहा है और हा राधा, हा प्यारे, हा श्याम सुंदर कह रहा है, वो सबसे बड़ा करोड़पति है, अरबपति है, उसके समान कोई संपत्ति वाला नहीं। और सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो कृष्ण भक्त का संग न मिलना, इसके बराबर दुख चाहिए। सबसे बड़ा दुख है कि सत्संग न मिलना, महापुरुषों का संग न मिलना, उनकी सेवा नहीं मिलना, कृष्ण भक्त विरह बिनु दुख नहीं रहा, ये सबसे बड़ा दुख। संत महापुरुषों का सानिध्य जिसको मिल गया उसके बड़ा, उसके बराबर सुखी संसार में कोई नहीं, यही आचार्य चरण कहा है। देखिए श्री गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ है जगत में प्रेम प्रदान करने के, बस एक ही लक्षण है, गौर आए थे प्रेम देने के। अब प्रेम कैसे प्राप्त हो उसी का ये बना रहे हैं। फिर कहते हैं कि जो लोग मुक्त मुक्त कहते हैं, मुक्त कौन है संसार में, कम सबसे बड़ा मुक्त कौन है? तो यही कृष्ण प्रेम जाल से मुक्त शिरोमणि, कृष्ण प्रेम जिसको प्राप्त हो गया है उसके समान महाराज इस जगत में कोई मुक्त नहीं। अच्छा देखो, मुक्ति में और प्रेम में यही अंतर। प्रेम का अर्थ होता है सेवा, और मुक्ति का अर्थ होता है अब सेवा का कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठना है, अब हम सेवा से निवृत्ति हो, वो मुक्त है, उसको कहते हैं मुक्त हो। और जो सेवा करे वो प्रेमी, प्रेमी सेवा चाहता है, सेवा में सुख रहता है। तो सबसे बड़ा सुख है, और सुख कहाँ मिलेगा? तो वृंदावन में मिलेगा। वृंदावन प्रेम का धाम कौन है? तो वृंदावन। वृंदावन यदि किसी जीव को मिल गया, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो गया, सेवा मिल गई, अरे यहाँ तक कहते हैं बिन वृंदावन वास के वृथा जात ये श्वास। वृंदावन को छोड़ करके यदि हम लोग सांस भी ले रहे हैं तो ये सांस भी दुखदायी है। सारा संसार कृष्ण का है, धाम है, लेकिन ये वृंदावन क्या है? केली निकुंज है, प्रियालाल का केली निकुंज। सभी धाम में वृंदावन का ही प्रकाश है सब जगह। अब उस वृंदावन के प्रति यदि किसी को प्रीति उत्पन्न हो गई, प्यार उत्पन्न हो गया, तो अब क्या चाहिए? बस यही है सर्वश्रेष्ठ। अब देखिए गाना लोग सब चाहते हैं, गाते हैं, गानों में सबसे श्रेष्ठ गाना क्या है, किसको गाना चाहिए, क्या गाना है? तो देखिए बहुत गाना है, भजन भी बहुत प्रकार का है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राधा कृष्ण प्रेम के लिए यही गीत मर। गाना है तो गीत गोविंद जैसा कोई गाना नहीं। कौन सा गाना गाए? भजन बहुत से भजन है,
संसार में बहुत भजन है, सभी महापुरुषों का अलग अलग भजन है, लेकिन सबसे सुंदर गाना क्या है, जिस गाना को ठाकुर जी सुने तो ये गाना सर्वश्रेष्ठ क्या है, कृष्ण करुणामृत है, गीत गोविंद है, विदग्ध माधव नाटक, ये सब गाना है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी का विलाप पुष्पांजलि है, ये गाना सर्वश्रेष्ठ गाना है, इससे श्रेष्ठ कर कोई गाना नहीं। कहते हैं गाना मध्य कौन गाना जिबिर निज धर्म, निज धर्म क्या है, गीत गोविंद का रोज पाठ करना, ये गाना सर्वोपरि गाना है। अकाहार स्मरण जीव है अनुक्षण, प्रतिक्षण दिन रात किसका स्मरण करना चाहिए, रात दिन स्मरण किसका करें, तो कहते हैं स्मरण यदि करना है जीव को, हमेशा स्मरण करना है, तो कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण, ये भगवान का नाम रूप गीत गुण लीला इन सब का स्मरण करना है, यही सब स्मरण करना है। अध्यान में भी सर्वश्रेष्ठ ध्यान है क्या, प्रीतम के दिव्य चरण कमल का स्मरण करता रहे, यही थी सर्वस्व त्याग करके वृंदावन वास करे, वृंदावन में रहे और श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो राधा कुंड के तट पर बैठ करके प्रिया जी के दिव्य लीला का स्मरण कर रहे हैं, यह सर्वोपरि ध्यान है। धीर मध्य जीवे कर्तव्य यही है, राधा कृष्ण पादांबुज ध्यान उधार, श्री कृष्ण के चरण कमल को नित्य निरंतर स्मरण करे, इसके अतिरिक्त छोड़कर के और कोई ध्यान नहीं। और जहां प्रियालाल जी का रास स्थली है वहां वास करना, उन्हीं का श्रवण क्या करना, तो प्रेम के लिए कर्ण रसायन, प्रेम के लिए जो नित्य चर्चा चलती है प्रियालाल की, नित्य विहार की चर्चा, श्रेष्ठ स्थावर भुक्ति मुक्ता वांछा जी कहार दुहार गति, इन सब की गति कहाँ है, तो केवल यही देह की स्थिति के अनुसार ब्रजवास कर और उनके नाम रूप लीला का दान कर। यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठ करके प्रियालाल का दिव्य लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और स्मरण करते करते प्रियालाल के मिलन में कैसी स्थिति प्राप्त होती है, उस समय सखी मंजरियों की क्या सेवा है, इस सेवा का स्मरण करते हैं, उसी स्मरण के साथ यहाँ पर इस श्लोक को विस्तार करते हैं। अब हम लोग के अष्टपदी गाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अथ कथम कि जामिनीय स्मर सर जर्जरिता पिशा प्रभाते, अनुनय वचनम वदन्तमग्रे प्रणतमपि प्रियमाशाम्य सोऽयम्। अष्टम सर्ग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे श्री गोपाल गुरु हरिनाम का मंत्र बताए हैं,
उसी मंत्र का यहाँ पर गीत गोविंद में व्याख्या किया गया है। राधा रानी के पास प्रिया श्याम सुंदर आते हैं और श्याम सुंदर को प्रिया जी घर आ रही है। ललिता सखी प्रेम के उत्कर्ष को देख करके मिला करती, तो रात्रि जागरण के कारण जो भगवान को थकावट है और नेत्र लाल लाल हो गए हैं, तो यही पर यहाँ पर सो रहे हैं। रजनी जनित गुरु जागर राग कषायित मल सन्निमेषम वह दिनयन मनुराग विस्फुट मुदित रसा विनिवेशम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि आई माधव आई केशव मावद कैकव पाद तामनु सर सर शिरुह लोचन जातव हरति विषाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिया जी श्याम सुंदर को अपने कुंज से भगा रहे, आदेश दिए हैं कि अब दोबारा इनको आने मत देना है। ये प्रेम के उत्कर्ष के हरि हरि आई माधव आई, और श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण पर गिर करके प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा गलती मैं कभी नहीं करूँ। श्याम सुंदर कहते हैं कि हे प्रिया जी, तबे दृशम न करो, मुझे क्षमा कर, और रो रहे हैं कि प्रिया जी कहती हैं माँ बद कई तब तुम झूठ मत बोल, तुम्हारी अब चोरी पकड़ में आ गई, हंस लौट करके चले जाओ। फिर भी श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण पर गिर रहे हैं, तो प्रिया जी कहती हैं तामन सर सर शिरुह लोचन जा तब हरति विषादम। तुम्हारे नेत्र के नेत्र को देखने से पता चलता है तू कहाँ से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ललिता सखी कहती हैं देखो सखी नंदलाल ना आवन पावे, चाहे जी जितना ललचावे, कितना भी गिड़ गिड़ावे अंदर आने मत देना, भगा दे। श्याम सुंदर हाथ जोड़कर कहते हैं गलती क्या है, तो प्रिया जी कहते कजल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलम रूपम दशन वसन मरुणव तव कृष्ण तनोति तनोरनु रूपम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जिस रस की चर्चा हो रही बिना नाम के चले गए, जितना नाम करेंगे तभी आनंद है। बिना नाम का ये रस का आस्वादन करेंगे तो साधक मारे जाए मर जाए, इसलिए खूब नाम रट कर इस रस का आस्वादन करना है। आप्रिया जी कह रहे कज्जल मलिन विलोचन चोंबन विरचित नीलिम रूपम दसन वसन मरुणव तव कृष्ण तनोति तनोरन रूपम। इसीलिए इस उत्कर्ष उत्कृष्ट जो रस है ये परकीय भाव है, इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये रस स्वकीय रस में हो ही नहीं सकता, परकिया के बाद जो स्वकिया रस है उसको गोपिया फेंक देते, बेकार है। जिस रस में इस रस में कितना स्वादन है, जयदेव महाप्रभु कहते हैं
देखो प्रिया जी कहती हैं, देख देख तुम्हारे देह को देखने से पता चल रहा है तुम कहाँ से आया है। देखो तुमको बताना पड़ेगा तुम्हारा नेत्र, तुम्हारा कपोल, तुम्हारा कुंडल, तुम्हारा नेत्र का कज्जल सब बता रहा है। कज्जल मलिन बिलोचन चुंबन विरचित नीलिम रूपम दसन वसन मरुणव तव कृष्ण तनो तनोर अनुरूपम। हरि हरि आहि माधव आहि मावद कै तव बादम तामनु सर सर शिरुह लोचन या तव हरति विषादम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नाम की महिमा में लिखे हैं कि यह षोडशात्मक जो महामंत्र है सोलह आवरणों को भंग करता है, तब उसको सखी मंदिरी का भाव प्राप्त होता है। ये नाम जब रटेंगे तो चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो लीला अपने आप प्रकट हो जाएगी। प्रिया जी कह रहे हैं बस देख देख तुम्हारा रूप श्याम सुंदर। देखो सारा संसार में कृष्ण की स्तुति कर दी जाती है और यहाँ भगवान को भगाया जाता है, भाग गया और भगवान जा भी नहीं सकता है प्रिया जी के चरण कमल को छोड़कर। अरे तुलसी मंजरी और रूप मंजरी के चरण पर बार बार अपने सिर को पटकते हैं, अब क्षमा अपराध क्षमा करा तुम ही करा सकती है। बपुर अनुहरति तव स्मर संगर कर रक्षत रे, देख देख तुम्हारी शरीर और हमसे कहता है कि मरकत सकल कलित कल धोतल फेरी वरति जय लेखम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये श्री कृष्ण कहीं से आए नहीं है, ये लीला वहीं का है, प्रिया जी के साथ जो लीला हुआ है। देखिए यही प्रेम वैचित्र्य वही अभी अभी कुछ और अभी कुछ रस को उत्कर्ष करने के लिए ही प्रक्रिया रस है, अब उसी अब श्याम सुंदर की लटाई हो रही है और लीला वही ये प्रेम वैचित्र्य। मरकत सकल कलित कल धोतल निवरति जय लेखम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रिया जी के चरण कमल में जो महावर लगा है वो प्यारे श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर, इसको प्रिया जी देख ली, देखते ही प्रिया जी डांटने लगे कहाँ से आया, इसी को कहते प्रेम वैचित्र्य है वही कर लीला। श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण पर तीन चिन्ह है, श्री वत्स चिन्ह है, कौस्तुभ मणि और प्रिया जी के चरण कमल का महावर का चिन्ह है। जब महावर का चिन्ह श्याम सुंदर के छाती पर पड़ता है तो सब चिन्ह फीका पड़ जाते हैं। प्रिया जी देखती है चरण कमल गल दत्तक शीतम दव तव हृदय मुदारम दर्शयतीव बहिर्मदन द्रुम नव किसलय परिवारम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रिया जी का ही चरण कमल का
महावर प्यारे श्याम सुंदर के श्री वत्स चिन्ह पर अंकित है और उसको देख करके प्रिया जी कहते बस बस हो गया भाग गया। हरि हरि आई माधव आई मावद कई तब बादम तामनु सर सर सीरु लोचन या तब हरति विषादम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। दशन पदम भवदधर गतम मम जनयसि चेतसि खेदम कथयति कथमधुना मया सह तव बपुरे तद्भेदम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अब हम समझ कि तुम बाहर से काला नहीं भीतर से भी काला। बहिनी व मलिन तरम तव कृष्ण मनो भविष्यति नूनम कथमथ वंशय से जन मनुगत समर सरज्वर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कहते हैं कि मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपका शरीर ही काला नहीं है, काला आपका अंतःकरण है। हम तुमसे कितना प्यार करती हो तुम हमसे छिपाते हो, बस बस हो गया। अब मुझको पता चल गया आपका अवतार का प्रयोजन, आपका अवतार किसी में प्रिया जी की वाणी है। गीत गोविंद में प्रिया जी कहती है कृष्ण के अवतार का प्रयोजन आज मुझे पता चला, कृष्ण क्यों अवतार। भ्रमति भवा